कल्याण परिमंडल 3 अंतर्गत पुलिस ने चोरी के 76 मामलों का पर्दाफाश करते हुए चोरी हुआ सामान नागरिकों को वापस लौटाया, जिसमें नकदी, मोटरसाइकिल, मंगलसूत्र, मोबाइल फोन, सोने के आभूषण, रिक्शा आदि वस्तुओं का समावेश है। डोंबिवली के ठाकुर सभागृह में पुलिस की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मंत्री रविंद्र चौहान सहित पूर्व प्रादेशिक विभाग के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय कराले, परिमंडल 3 के DCP विवेक पांसरे, कल्याण के ACP अनिल पोवार, डोंबिवली के ACP राउत, सभी पुलिस थानों से वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, सहायक पुलिस निरीक्षक सहित अन्य पुलिसकर्मी और नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य था नागरिकों को उनका चोरी हुआ सामान वापस लौटाना। परिमंडल में 3 में चोरी, चैन स्नैचिंग जैसी घटनाओं में लिप्त आरोपियों को पकड़कर गहरी जांच पड़ताल करके पुलिस ने चोरी के गुनाहों का पर्दाफाश किया। इस अवसर पर चोरी हुए 37 मोटरसाइकिल, 7 रिक्शा, 125 मोबाइल, सोने चांदी के 1 किलो गहने जैसे कीमती वस्तुएं, नकदी सहित कुल मिलाकर 80 लाख का सामान पुलिस ने पूरे सम्मान के साथ नागरिकों को लौटाया है। कुल 76 मामलों का पर्दाफाश करके इन सामानों को हासिल किया गया। शहर में पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से एक अच्छा उपक्रम हुआ है। यहाँ पर जो 78 जो चोरियाँ हुई थी, वो चोरियों के जो तपास के अंदर पुलिस अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम करते हुए सब गुनहगारों को पकड़ा, उनसे बहुत मुद्दे माल उनसे जब्त किया गया है। 1 किलो के करीब सोना चांदी और मोबाइल्स, टू व्हीलर्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें और कैश के रूप में जो पैसे थे, ऐसे पैसे यहाँ पर उनके पकड़े जो गए हैं गुनहगारों की तरफ से, वो सब लोगों को उनकी तरफ से बांटने का कार्यक्रम किया गया। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने ये बताया है कि ऐसे जो गुने में जो मुद्दे माल मिलता है उसको लोगों के अंदर जाहिर कार्यक्रम के माध्यम से बंटवाना चाहिए, और वो कार्यक्रम का आज यहाँ पर ऑफिसर्स लोगों के माध्यम से बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और लोग भी बहुत संतुष्ट हैं कि उनकी चीज़ें उनके पास वापस मिली है। और पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम करती है, वो 24/7 लोगों में ये सब चीज़ ढूंढने के लिए, और जब ऐसा गुनाह होता है तो गुने का जो तपास लगाने का काम ये करती रहती है। आप लोगों ने जो बताया कि यहाँ पर कैमराज लगना बहुत ज़रूरी है, स्मार्ट सिटी के माध्यम से इस शहर के लिए 50 करोड़ रुपये मंजूरी मिली हुई है, और उस सिटी सर्वेलेंस कैमरा जल्द ही इस शहर के अंदर लगने वाले हैं। उसकी वजह से जो गुनहगारों को पकड़ने के लिए पुलिस को जो दिक्कतें होती हैं वो उसमें से बहुत दूर हो जाएगी, और पुलिस लोगों के लिए उनके घर होने चाहिए। इसके लिए जो महामंडल की जो स्थापना हुई है उसके अंदर जो स्टॉक तैयार हो रहा है, जल्द ही उसमें से कुछ घर जब उनके तैयार हो जाएंगे तो पुलिस डिपार्टमेंट को घर स्थानांतरित किए जाएंगे। जो कल्याण और डोंबिवली एरिया में जो कुछ दुर्घटनाएं हुई थी, जो किस चोरी हुई थी, वो हम रिटर्न करने में कामयाब हो गए हैं। इसमें आज 78 केसेस के कुल मिला के 80 लाख के ऊपर मुद्देमाल जो बरामद किया था वो हमने आज माननीय मंत्री महोदय और हमारे टीम के साक्ष से सब जो जिनका चोरी माल हुआ था उसको हम वापस देने में कामयाब हो गए। इसमें 1 किलो सोना है, चांदी, लैपटॉप, मोबाइल, कैश, ऑटो रिक्शा, टू व्हीलर का सब हम दे सके। मुझे आपके चैनल के माध्यम से लोगों का आह्वान है कि आप हमें इन्फॉर्मेशन तुरंत देते रहिए ताकि हम केसेस डिटेक्ट करने में हम कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू सर।